पानी की किल्लत नहीं होगी। शहर जलापूर्ति योजना को पाकुड़ में लागू किया जा रहा है। रघुवर सरकार की कोशिश है कि हर घर को नल का जल मिले, इसके लिए करीब 41 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गर्मी में पानी की किल्लत पाकुड़ के लोगों के लिए आम बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहर जलापूर्ति योजना के तहत पूरे पाकुड़ को स्वच्छ पानी मिलेगा। रघुवर सरकार की कोशिश है कि हर घर तक नल का जल पहुंचे। दरअसल पाकुड़ झारखंड के ड्राई जोन में आता है, पहाड़ के बीच में पाकुड़ बसा है, इसी वजह से पानी की समस्या बनी रहती है। कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। लोगों की परेशानी अब जल्द दूर होने वाली है। कार्य हम लोग बहुत जल्दी पूरा करने में लगे हुए हैं। जल्दी हो सके, जितना जल्दी, थोड़ा बहुत बाधा है जहाँ तहाँ, उस बाधा को दूर करके हम लोग इस कार्य को पूर्ण करेंगे। गंगा से पानी आएगा, पाइप से पानी आएगा वहाँ, और जिला परिषद में जितना बाजार में जितना रूम है, सब रूम को पानी मिलेगा, सब आदमी को पानी मिलेगा। शहरी जिला परिषद जो मेरा सरकार जो योजना चालू किए हैं, बहुत ही अच्छी योजना है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। बंगाल के फरक्का कैनाल से पानी लाया जाएगा। गंगा नदी का पानी फिल्टर कर शहर में सप्लाई किया जाएगा। इस योजना के तहत 40 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 40% काम बाकी है, जिसे दिसंबर 2019 तक पूरा किया जाएगा। शहर में 4 जल मीनार बनाए जा रहे हैं, जहां पानी को फिल्टर किया जाएगा। इससे पाकुड़ के सभी घरों में जो पानी की दिक्कत है, हां नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें सबको फिर नए पाइपलाइन से कनेक्शन नगर पालिका के माध्यम से दिया जाएगा, सभी को लाभ मिलेगा जलापूर्ति का। हम लोगों ने पूरा रीअसाइन की, नए कंट्रैक्टर बहाली कर दी गई है, उन्हें भी काम करने के लिए इनटेक वेल डिस्ट्रीब्यूशन और पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन और हर काम के लिए अलग अलग कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है। और उन्हें यह भी कहा गया है कि वो टाइम से पहले पूरा करा देंगे तो उन्हें बोनस दिया जाएगा। शहरी जलापूर्ति योजना का काम काफी तेजी से हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि झारखंड में पानी की समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।